नहीं हम जो बोले समझे ना क्या बोले हम, जैसे एक टिकट 20 रुपए का, ठीक है, अब आप इसी पे 40 लिख दे रहे, आप दो टिकट इशू करोगे इसके बाद तो फिर अच्छा अच्छा साला जानी दुश्मन है हीरो पूरा सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि एक राइड का प्लान हो रहा है हम लोग, आप अगर आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का स्टोरी चेक किए होगे तो आपको दिखा होगा वहाँ पे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे आप लोग के साथ अभी रास्ता पे जब जाएंगे तो बात होता रहेगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं दूल्हागढ़ टोल, क्योंकि अभी का टाइम हो रहा है सुबह 5, हम लोग को 5:30 तक वहाँ पहुँचना है, लेट ना हो जाए इसलिए यहाँ से अब निकलते हैं। चलिए बाकी बात आपसे रास्ता में होगा। बाइक ऑल सेट, इस बार सैडल बैग लेके नहीं जा रहे हैं, सैडल बैग जो संदीप भैया लेके जा रहे हैं वहाँ पे, ये देखो। और मैं क्या किया, मेरा जो बैकपैक था 70 लीटर वाला, मैंने वो कैरी किया इस बार के लिए। आई थिंक इसमें हो जाएगा कि 4 दिन का ट्रिप है, मैनेज नहीं होगा। आई होप सब ठीक हो, ऑलरेडी हम लोग लेट जा रहे हैं, भगवान जाने क्या होगा यार, समझ में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी लेट हो गया हम लोग। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं यहीं से, बुद्ध का नाम लेके और हर हर महादेव। ये जो आप इतना बड़ा सा गेट देख रहे हो, एक्चुअली ये हम लोग का हुगली डिस्ट्रिक्ट का एंट्री पॉइंट है। अगर आप टूवर्ड्स हावड़ा से आ रहे हो तो 6 बजे तक हमें दूल्हागढ़ टोल पहुंचना है, बट देखते हैं हम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि अभी का टाइम हो रहा है 5:30, लेट्स सी। अभी का टाइम हो रहा है 5:54, यहाँ से और 10 किलोमीटर है, मे बी हम लोग 6 बजे तक शायद ना पहुँच पाए, देखते हैं क्या होता है, झाड़ तो मिलेगा थोड़ा अपने को आज। ब्रो यार एक्स ऊपर हो भी ना रास्ते पर साड़ी ब्रो আরে সকালে দেখছি টায়ার ফ্ল্যাট, আবার রাতেই হাওয়া দিয়েছিলাম, টায়ার পুরো জিরো ছিল, তারপরে কি ধাক্কা দিয়ে নিয়ে আসলাম, আবার ঝিটুট ধরলাম। सो .6:10 में हम लोग आपका दूल्हागढ़ टोल से स्टार्ट किए, और फिलहाल आप जैसे मेरे सामने देख ही पा रहे हो कि हम लोग एक चेन बना के चलने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये डबल लेन है हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेन मेंटेन करने में, बट समहाउ हम लोग खड़गपुर तक तो मैनेज कर ही लेंगे। और आज हम लोग के साथ 15 राइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्प्रिंट में टूवर्ड्स में, बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ से जितना बार भी गुजरे यार, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ब्लॉगर आपको ये ना बताए कि मेरे लेफ्ट में जो ब्रिज है वो कोलाघाट वाला ब्रिज है, और इसका भाई एक अपना ही खूबसूरती है। मुझे वैसा मन तो है मेरा यहाँ पे एक बार ड्रोन उड़ाने का, बट देखते हैं कब मुझे वो मौका मिलता है। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my. मेरे जो लेफ्ट साइड में आप अभी वाला देख रहे हो जो रेल ट्रैक है, ये जा रहा है आपका टूवर्ड्स चेन्नई, यही अपना जो कोलकाता चेन्नई जो मेन आपका लाइन है वही वाला है, साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये ब्रिज अभी हाल फिलहाल में बना, ज़्यादा दिन उसको हुए नहीं बने हुए, 1.5 साल लगता है मुझे लगता है कि पहले बना होगा। और ये जगह का कॉन्ट्रास्ट एक अलग ही बैठता है ऑल टाइम, मेरा फेवरेट है ये जगह का, मैं टूवर्ड्स खड़गपुर जब भी जाता हूँ। और मेरे जो राइट साइड में आप ट्रैक देख रहे हो, ये जा रहा है टूवर्ड्स आपका जमशेदपुर रांची की तरफ ही जा रहा है, और ये वाला सेक्शन में आपको ना पैरेलल देखने को मिलेगा रेल ट्रैक और रोडवेज बहुत बार, एक बार नहीं 2-3 बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कभी अगर आपको यहाँ पे अगर मिले तो अच्छा शॉट लेने का जरूर कोशिश करें। सो अभी का टाइम हो रहा है अराउंड 7:05, और अभी भी आप देखो हम लोग जस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे टूवर्ड्स आवर ब्रेकफास्ट पॉइंट, आप जस्ट ये ग्रुप को नोटिस करो कि कितना अच्छा से हम लोग सिंगल लेन मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब ग्रुप राइड कंडक्ट किया जाता है तो सब अपने मन का हिसाब से चलाते हैं, बट आज आपको यहाँ पे एक नया एग्जांपल देखने को मिलता है। सो ये हम लोग के दिन का आज का 3रा टोल, इसका कहीं बोर्ड या कुछ नाम लिखा हुआ तो मुझे मिला नहीं, चलो यार क्रॉस करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ब्रेकफास्ट पॉइंट। सो फिलहाल हम लोग अभी आपके ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, और जगह का नाम है आपका जॉय गुरु फैमिली होटल, इसका एड्रेस है बाली भाषा जारगाम में, एकदम आपका हाईवे के ऊपर जो आपका टुवर्ड्स जमशेदपुर जो रास्ता जा रहा है या उसी के ऊपर आप रास्ता एकदम हाईवे के ऊपर ही है। ऐसे ये वाला जो आपका रेस्टोरेंट है ये 8 बजे खुलता है सुबह, अगर आप 8 बजे से पहले आ रहे हो तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे यहाँ पे 8:15 पहुँच गए थे तो हम लोग को बोला गया कि 10-15 मिनट आपको वेट कर लो, हम लोग बना रहे हैं जो भी बनाना है,
तो देखे कि डोसा का ऑप्शन था तो हम सब ने मिलकर डोसा ऑर्डर किया एक्चुअली। सो अगर आप बंगाली में ब्लॉग देखना चाहते हो रिगार्डिंग दिस ट्रिप, आप काइंडली बियॉन्ड माइस्ट्रोन को आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्लॉग्स आता है उनका भी, आप चाहो तो चेक कर लेना। जो आप इसका जो लिंक रहेगा इसके चैनल का वो मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वैसे यहाँ का खाना पीना मॉडरेट था, बहुत अच्छा था वैसा भी नहीं बट ठीक था, एटलीस्ट साफ सुथरा खाना मिला, फ्रेश मिला, ये हम बोल सकते हैं। और अब यहाँ से क्या है, पहले जो तीन ग्रुप था हम लोग अब उसको दो ग्रुप में बांट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हो गया है टू लेन, पहले थ्री लेन रास्ता था अब टू लेन हो गया है, तो ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं कर सकते, इसलिए छः गजन का ग्रुप लेके अब यहाँ से आगे बढ़ने वाले हम लोग। चलो इसी के साथ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो आप एड्रेस देख लो, बाकी लोकेशन में भी मैं डाल दूंगा, अगर आप यहाँ पे आओगे बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। बट मैं भी यही बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ पे आ रहे हो 10 बजे के बाद आओगे तो आपको यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल मिलेगा, उससे पहले कुछ मिलने वाला है नहीं। ब्रेकफास्ट तो हुआ हम लोग का कंप्लीट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स आपका जमशेदपुर की तरफ। जस्ट अब कुछ देर में झारखंड बॉर्डर आने वाला है, बट उससे पहले आप ये वाला सीन चेक करो यार, अब पूरा देखो यार, एक जंगल को काट के रास्ता बनाया हुआ है, बट क्या ही कॉन्ट्रास्ट बैठता है बोथ साइड, अगर आपका ग्रीनरी रहे और उसके बीच में कैसा ग्रे कलर का रास्ता रहे, इसका चलाने का मज़ा ही कुछ अलग नहीं है। ऑलरेडी एक राइडिंग ग्रुप मेरे लेफ्ट में दिख रहा है, शायद ये लोग जंगल के अंदर गया है शूट वूट करने फोटोज वोटोज के लिए। देखो काफ़ी बड़ा ग्रुप लग रहा है फिलहाल से। चलो ठीक है, अपने को तो यहाँ रुकना नहीं, अपने आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सामने मेरा देखो, अब टाउन कुछ ही देर में आने वाला है बाहर गोरा, हम लोग झारखंड में एंटर करने वाले हैं। जैसे आप देखो हम लोग झारखंड में एंटर करने वाले हैं, आपको हल्का हल्का करके बहुत दूर में थोड़ा सा बाहर दिखेगा, गोप्रो में उतना क्लियर आता नहीं है बट। सो यहाँ से जमशेदपुर का डिस्टेंस अभी भी दिखा रहा है 89 किलोमीटर और रांची अभी भी दिखा रहा है यहाँ से आपका 191 किलोमीटर। आई होप हम लोग यहाँ से आपका जमशेदपुर 1:30 से 2 बजे तक क्रॉस कर जाएंगे, वहीं पर उसको जमशेदपुर क्रॉस करने के बाद ही हम लोग सोच रहे हैं लंच करने का, उससे पहले नहीं। लेट्स सी, चलो आगे बढ़ते धीरे धीरे। अब चलो भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो संदीप भैया, क्योंकि उनका ऑलरेडी पूरा टैंक जो था वो खाली था, हम लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे तो भी चलेगा। अब आप क्लियरली नोटिस करो मेरे बाएं साइड में आपको हल्का हल्का एक माउंटेन्स दिखना चालू हो जाएगा, हल्का ग्रे शेड में आप देखो मेरे लेफ्ट के साइड में आपको समझ में आ जाएगा, बस यही खूबसूरती है यार झारखंड का, जिससे यार जिसको देखने के लिए हम लोग इतना दूर बाइक चला के आते हैं। आई थिंक ये वाला व्यू से क्लियरली आपको मिलेगा, पूरा माउंटेन्स का चेन आपको देखने को मिलेगा टूवर्ड्स जो से हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा, बट क्योंकि राइट साइड घास ज़्यादा हम लोग दिखा नहीं पा रहे आप, बट क्या ही खूबसूरत लगता है ये जगह देखने में यार। To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. Belt take it, guys. हाँ, belt take it, guys. पूरा लगा चुका belt का. साला जानी दुश्मन है, हीरो पूरा है. वैसे आपका नाम भैया? जिशान. जिशान, जिशान आलम तो? चलिए आप YouTube में आएंगे वैसे, हाँ ये वाला क्लिप हम डाल देंगे वैसे, आप कितना हेल्प किए वही बहुत मेरा बड़ा मैंने। हाँ हाँ आइए इधर आइए, ओके भैया मिलते हैं आपसे, हाँ चलिए आते हैं बाय। चलो यार फाइनली वेल्व का प्रॉब्लम तो मिट गया, बट अब क्या है यहाँ से अभी बहुत किलोमीटर हम लोग को अभी डिस्टेंस कवर करना है, एक काम करते हैं अब यहाँ से लेट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेचर को एंजॉय करते करते। चलिए मैं भी अब यहाँ से क्रूज करता हूँ, आप लोग नेचर का मजा लीजिए। Bitch, nah, don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no. अभी का टाइम हो रहा है 1:35 और हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं आपका जमशेदपुर का जो बाईपास है, मेरे लेफ्ट में जमशेदपुर टाउन जाने का रास्ता है, अगर आप सीधा जाते हो तो वर्ड चांदिल मिल जाएगा आपको। जस्ट अब ये वाला चीज़ नोटिस करो यार, अब देखो बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर क्लाउड का पूरा टकरार है, ऐसा लग रहा है कि दोनों का एक समागम चल रहा है यहाँ पे, बट क्या ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बैठ रहा है यार यहाँ ये वाला चीज़ का यार, ये मिस नहीं कर सकते आप जब आप ये वाला वीडियो देखोगे तो। अब आप नोटिस करो यहाँ पे, जैसे देखो हम लोग टूवर्ड्स फ्लाईओवर की तरफ जा रहे हैं, आप मेरे लेफ्ट और राइट में देखना यहाँ पे आयरन का जो बड़ा बड़ा बोर्ड बना हुआ है, एक्चुअली ये आपका इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पे किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं ना यहाँ पे रुक के एलिफेंट को देखने का कोशिश करते हैं, खासकर तब जब यहाँ पे एलिफेंट जब क्रॉस करते हैं। एक्चुअली ये वाला जो फ्लाईओवर है ना, इसके नीचे ही आपका एलिफेंट कॉरिडोर का अंडर पास है, तो एलिफेंट लोग जब उन लोग का एक होता है ना माइग्रेशन होता है, तब वो लोग इसी के नीचे जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ से रांची का डिस्टेंस अभी बचा हुआ है 111 किलोमीटर, उससे पहले हम लोग का लंच पॉइंट भी आएगा और हम लोग को दसम फॉल्स भी कवर करते हुए जाना है, थोड़ा आई थिंक हम लोग लेट जा रहे हैं बट वी विल मेक इट आउट ड्यूरिंग द जर्नी। सो दिस इज दालना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
वैसे अगर आप मेरा दालमा सीरीज वाला वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, मैंने आई बटन पे डाल दिया है, आप जाओ लिंक चेक करो और देखो, वो वाला वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार हुआ था, ऑफ रोडिंग करने पर मिला था हमें। फिलहाल एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स असम फॉल और यहाँ से क्रूज करते हैं नेचर के साथ साथ। हम लोग आपका रुके हैं माँ होटल में और होटल कुछ अभी ऐसा दिखता है, ऊपर होटल कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला आपका एसी वाला पार्ट है, ये नॉन एसी वाला पार्ट है, बट काफ़ी साफ़ सुथरा होटल है और रेट यहाँ का थोड़ा ऑन द हायर साइड है एज़ कम्पेयर टू क्वान्टिटी। बुक के आगे कुछ नहीं है, वही वाला चीज़ है, दैट्स वाई होटल ले लिए। वेट करते हैं बिल का, बिल कितना आता है आपको बताते हैं। सो लंच हम लोग का हुआ कंप्लीट, हम लोग लंच में आपका लिए तड़का रोटी और कढ़ाई पनीर, इसके अलावा हम लोग को कुछ समझ में आया नहीं। चावल खाने का मन तो था बट चावल क्या किए रात के लिए छोड़ के रखे जान मुझे, क्योंकि अगर अभी खा लिए अभी भी अराउंड हम लोग को 17 किलोमीटर राइड करना है तो नींद ना आ जाए उसको अवॉइड करने के लिए। सो दसम फॉल्स जब हम लोग एंटर करेंगे आपको हाईवे से एक छोटा सा खट मिलेगा, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेके जैसे जैसे आपको दसम फॉल्स का बोर्ड मिलेगा आप उसको फॉलो करो, आराम से पहुँच जाओगे। आप गूगल मैप देख के भी आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है और रास्ता यहाँ का इतना खूबसूरत है आपको ऐसे ही मज़ा आ जाएगा और एक ही रास्ता है आपको जो दसम फॉल्स लेके जाएगा, तो टेंशन का कोई बात है नहीं। क्या हुआ है इधर आइए इधर आइए। हाँ बोले भैया, आप 11 मेरे को दे दीजिए ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या है ना, यहाँ पे कुछ जैसे सेल्फ गवर्नेंस होता है ना वैसे सेल्फ रूल एडिया है, यहाँ पे 20 रुपये पार्किंग का लगता है यहाँ पे जब दसम फॉल्स में आने के लिए, दैट्स वाई उसी के लिए पे करना होगा चाहे वो 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो ठीक है। सबके लिए आई थिंक सेम रेट नहीं है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर 2-व्हीलर की 20 रुपीज़ करके, दो दो करके लिख दिए हैं कैसे 40 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टिकट भी आपको अलग अलग देना चाहिए था ना, एक ही में बोल। आप एक टिकट में 40 दे दे रहे हो और 20 का कूपन काट रहे हो, साथ में बोल देना है अलग अलग करते। नहीं नहीं, हम जो बोले आप समझे ना क्या बोले हम, जैसे एक टिकट 20 रुपये का है ठीक है, अब आप इसी पे 40 लिख दे रहे हो, आप 2 टिकट इशू करोगे इसके बाद तो फिर बोले अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप 4 टिकट दिए मतलब 8 जन हो गया है तो सब चल गए उधर। हाँ हाँ, टोटल हमारा 11 बाइक है, बाइक का काटते हैं ना, हाँ तो 11 बाइक है, 8 का हो गया, एक और दीजिए 10 का काट लीजिए और क्या। चलो हम लोग का पार्किंग कम टोल पेमेंट हो गया, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। सो दसम फॉल्स में एंटर करने से पहले आपको एक छोटा सा टोल मिलेगा जो कि सेल्फ गवर्न टोल है, वहाँ पे आपको 20 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर पार्किंग एंड फॉर एंट्री इन दसम फॉल्स। सो आप वहाँ 20 रुपये पे करने के बाद, जो कि बाई कैश करना होगा, हाँ ये आपको बता दूँ, वो करने के बाद ही लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगा इस पार्किंग वाले स्पेस में। और दसम फॉल्स जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से है, यहाँ से अराउंड 219 से 220 सीढ़ी शायद बता रहे हैं यहाँ के जो लोकल लाइट्स है, 220 सीढ़ी मैक्सिमम होगा, वहाँ से जाने के बाद अपने को दसम फॉल्स का भी अच्छा मिलेगा। तो देर नहीं करते हैं, इस तरह दसम फॉल्स देख के आते हैं। भाई आवाज़ सुन रहे हो, फॉल्स के अभी तक पास भी नहीं पहुँचे और आवाज़ इतना खतरनाक आ रहा है, सामने से फॉल्स दिखेगा तो उसका तो व्यू अलग ही होगा यार। बट यहाँ का सीढ़ी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक बाकी होता है ना बहुत स्टीप सीढ़ी बनाया जाता है बट वो चीज़ नहीं है। तो आप तो मेरे को सीढ़ी से उतरते हुए देख लिए बट क्या आप यहाँ का व्यू देख पाए दसम वाटरफॉल दिखने में कैसा है, वो भी मानसून के टाइम पे, आइए देख लीजिए।
आई होप आपको ये वाला शॉट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आपको पता ना क्या करना है यार, अभी के अभी यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसा व्यू और अच्छा अच्छा देखने को मिले। सो काफ़ी हम लोग यहाँ पे टाइम अपना यहाँ पे यूटिलाइज किया और काफ़ी सही जगह लगा यार। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना, अगर प्लॉट रांची आ रहे हो, ज़रूर मानसून के टाइम पे दसम फॉल्स विजिट करके जाना यार, क्योंकि ऐसा भी आपको मानसून के टाइम पे मिलने वाला। अदर टाइम यार क्या होता है, ये मानसून का पानी के बाद आप जब ठंडे के टाइम पे आओगे तो आपको मोस्टली ये सूखा मिलेगा, बट आप मानसून में देखिए जितना नदी का पानी, जितना आपका बारिश का पानी है, सब इधर फ्लो होगा और उसका रिजल्ट देखो कितना सुंदर है। जस्ट अभी नोटिस करो, फ्लो देखो पानी का। अगर गलती से भी यहाँ कुछ गिरा तो वो मिलने वाला है। जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था, ड्रोन क्या हो रहा था ना, इस जगह पे जाके इतना क्रॉसविंड हो रहा था कि ड्रोन डिफेक्ट होना चालू हो गया था। अल्टीमेटली मुझे ड्रोन वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि अगर वो चला गया नुकसान हो गया तो उसका भरपाई मैं नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल एक काम करते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रांची, और टाइम अगर हाथ में रहा तो हम लोग टैगोर हिल करने का कोशिश करेंगे, अदरवाइज उसको टारगेट कर रहे हैं कल सुबह करने का। इन केस अगर आप भी नहीं इधर आते हो, दसम फॉल्स में आते हो, तो एक बार यहाँ का चाय ज़रूर ट्राई करना। जैसा आप बोलोगे वैसा चाय बना देंगे, बाकी ये केस जैसा नहीं कि आप चाय बनाने आप बोले और फिर वो अपने हिसाब से चाय बनाए, आपको जैसा चाय चाहिए आप यहाँ पे बोलो, आपको वैसा चाय मिल जाएगा। अलॉन्ग विद डैट आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत तरह का स्नैक्स भी मिल जाएगा, और अगर आप अपना राइडिंग जैकेट, हेलमेट वेलमेट कुछ भी एक्स्ट्रा लगेज रखना चाहते हो आप यहाँ पर रख सकते हो, उसके लिए आई थिंक कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप फिर भी खाली वो रखना चाहते हो टेलीगेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा कोई आईएएस ऑफिसर है, उसमें कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के होने के कारण हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहा है। सो हम लोग भी पीछे टेली कर रहे हैं, भाई लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो लॉ तो मानना पड़ेगा। अब मेरे पीछे क्या है, 12 बाइक का लाइन और लगा हुआ है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आगे हो क्या रहा है। आज जब होटल जाऊँगा तभी उनको बताऊँगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था यहाँ पे। यहाँ से 30 किलोमीटर है, सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 35 से 40 मिनट में कवर कर लेंगे। चलो पूरा सिंगल लेन वाला रास्ता, भाई फोर लेन एक छोटा सा 10 मिनट का रास्ता में चल रहा है, अब हाईवे अपने यहाँ से खींच सकते हैं। तो अभी फिलहाल जस्ट कुछ आपका आईएएस ऑफिसर का गाड़ी जा रहा था, दैट्स वाई हम लोग का यहाँ पे थोड़ा लेट हुआ था, बट हम लोग का मैनेज कर लेंगे। फिलहाल जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, आप ये वाला नोटिस करो रास्ते पे जो आप देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन सिंगल है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अभी लेन चेंज करके किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक ये डैश डैश में कन्वर्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ से डैश डैश चालू हो गया, दैट मीन्स वी आर गुड टू गो एंड वी कैन ओवरटेक एक्चुअली। ये कौन सा यूनिवर्सिटी है ज़रा मुझे बताना है, जो अगर कोई यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ रांची से, ज़रूर कमेंट में बताना मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी, मुझे नाम समझ में नहीं आया। सो देखते देखते हम लोग पहुँच गए आपका रांची टाउन, और हम लोग अपना होटल पहुँचने वाले, दैट इज़ होटल आराम इन। और यहाँ से अब ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, तो ये वाला वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जो सेकेंड वाला वीडियो है उसका वेट करिए, वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। टिल देन आप लोग सबको अच्छे रहिए, सेफ रहिए, और जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।